ये सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में दुनिया में पूरी कहीं भी कुछ भी अगर खास है तो वो बहुत जल्दी दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच रहा है। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या में एक साधु हैं और उनका नाम है पंडित मानस दास। उनकी गायकी पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया में इस कदर वायरल है कि मुझे लगता है अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया जाए सोशल मीडिया के तो लगभग करोड़ों लोग उनकी गायकी देख चुके हैं। पहली बात तो विजुअली बहुत अच्छा लगता है कि एक दाढ़ी वाले साधु और बहुत पक्के सुरों में आप उनसे कवाली सुन लें, आप उनसे दादरा सुन लें, आप उनसे गज़ल सुन लें, आप उनसे फिल्मी गाने सुन लें, सब कुछ बहुत ठहराव के साथ और सब कुछ बहुत ही पक्के सुरों के साथ। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना अब ये उत्सुकता भी है लोगों की कि मानस दास जी हैं कौन, इनका अयोध्या से क्या रिश्ता है, संगीत अगर इन्होंने सीखा तो कहाँ से सीखा, किससे सीखा, ये किस घराने के हैं। तो इस तरह की तमाम जो उत्सुकताएँ थीं उनको उनका जवाब ढूंढने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया और वो हम उनके आभारी भी हैं कि वो हमारे पास आए और अब हम उनसे इस तरह से कुछ उनका जो अभी तक का जीवन है, उनकी जो गायकी है उसको लेकर बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर कुछ अच्छी चीज़ें एक बार फिर सुनेंगे क्योंकि इस वक्त उनकी आवाज़ ऐसी मशहूर हो गई है कि जितना सुनिए लगता है थोड़ा लालच आता है कि क्यों ना थोड़ा और सुन लिया जाए। तो मानस दास जी, सबसे पहले तो आपका फिर से मैं आभारी हूँ और आपको ये जानकारी मिली है कि नहीं मिली अभी तक कि आपको इस वक्त पूरा देश जो है बहुत ही प्यार के साथ सुन रहा है और बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें सूचना है, हमारे जो स्नेही प्रेमी लोग हैं वो बताते रहते हैं। तो पहला सवाल तो मानस दास जी यही दिमाग में आ रहा है हर किसी के कि आप थे कहाँ, आप छुपे हुए कहाँ थे, कहाँ ये जो गायकी का दौर चल रहा है उसमें इतने पक्के सुरों वाला आदमी, कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं जो है जाऊँ मीडिया के सामने जाऊँ या उन उन प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ जहाँ से लोग मुझे जाने? दरअसल मैं जिन परमात्मा से संबंध रखता हूँ जी, उनके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी। परमात्मा राम विशेष उदासी रूप धारण करके अयोध्या से जब निकले और उनके आने के बाद ही भगवती जगदम्बा पृथ्वी में समाहित हो गई, तब से अयोध्या की भूमि उदासीनता से घिरी हुई है। तो वहाँ हमारे जैसे हमसे पहले भी दिव्य और श्रेष्ठ साधु हुए जिन्होंने संगीत को सिर्फ उपासना मार्ग में उपयोग किया, उन्होंने प्रदर्शन में नहीं लाया। लेकिन मैं ये विचार किया अपने प्रबुद्ध लोगों के द्वारा सुनकर कि इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, क्योंकि अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या सभी पुरियों का मस्तक है और संगीत का पर्याय है, यहीं से यहीं संगीत की रक्षा हुई है। आप सुने होंगे हवेली परंपरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हवेली परंपरा अपभ्रंश नाम है, वो मंदिर परंपरा उसको कहिए आप। अच्छा, हवेली परंपरा तो आधुनिक लोगों ने नाम रख दिया उसका। दरअसल विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का आप नाम सुने होंगे, वो हमारे अयोध्या के ही साधु थे। अच्छा, अयोध्या के साधु थे, अयोध्या में दीक्षित हुए और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को राग रागनी सुनाए। उनके कितने पद हैं जो कनक बिहारी जी को ठाकुर जी का नाम लेकर उन्होंने पद की रचना की है। फिर वो ग्वालियर चले गए, यहाँ से ग्वालियर गए, प्रचार प्रसार किया, अयोध्या भी आते जाते रहते थे। उन्हीं के शिष्यों की श्रृंखला में श्री राम मोहिनी शरण, श्री राम किशोर दास जी की श्रृंखला में एक साधु श्री गौरी शंकर महाराज जी के नाम से जाने गए जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हुए। वो ध्रुपद के, तराने के, तिरवट के और चतुरंग के और प्रबंध गान के बहुत ही सिद्धहस्त गायक हैं इस समय। तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार उनसे जो सीखा वही थोड़ा मोड़ा कोशिश कर रहा हूँ और बांटता हूँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। और आपने कब सीखना शुरू किया, मतलब कुछ ऐसा वाकया रहा होगा जिससे आपको लगा होगा कि मुझे सीखना चाहिए संगीत? मेरा शरीर झारखंड का है, झारखंड में यूपी के बॉर्डर पे जी, मतलब ज़्यादा करीब यूपी के है वो गढ़वा, वहाँ से मैं 13-14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास करके प्रथम श्रेणी से अयोध्या आ गया, रामायण देख करके कि वहाँ का कितना अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ पाया नहीं, हाँ लेकिन संगीत का धरोहर मिला मुझे। यहाँ आने के बाद श्री हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, ध्रुपद सुरों को कैसे लगाना है, यमन में गांधार कैसे लगेगा, तोड़ी में ऋषभ कैसे लगेगा, और जैसे धेनु की आवाज़ निकलती है दरबारी में वैसा गांधार लगना चाहिए, गांधार और धैवत आंदोलित हैं, कौशी कान्हड़ा कैसे गाना है, रामकली कैसे गाना है, गुणकली कैसे गाना है, भैरवी कितने प्रकार से गाए जाते हैं, इन सबों को बृहत रूप से उन्होंने डांट डांट करके हमें सिखाया। पहले तो डांट के भगा दिए थे, बाद में बहुत मशक्क़त से उन्होंने अपनाया
क्योंकि गुरु के ऊपर है, वो गंडा बांधेगा कि स्वीकार करेगा कि नहीं आपको, सही बिल्कुल आपको शिष्य के रूप में। तो फिर हमने भी लगन से सीखा, क्योंकि बड़े शौक से मैंने सीखा, और फिर शिवरंजनी का मैंने 2-3 महीने अभ्यास किया, रागनी शिवरंजनी का बड़ा मन लगता था उसमें, तो उससे वैराग्य मेरे अंदर आ गया, फिर मैं साधु हो गया। थोड़ा सा शिवरंजनी सुना दीजिए इसी बात पे। दर दर न रे शिवरंजनी का सर ग पद स द प ग रे ग ग पद सा रे द स पद ग प रे ग सर ध ग रे ध सा। क्या बात, शिवरंजनी का स्वरूप है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे नैना सावन भादो शायद बिल्कुल मिश्र शिवरंजनी में है। अच्छा, क्योंकि उसमें और रागों का छाया दिखता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप झारखंड से आ गए यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो आपका परिवार है, आपके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उनका किस तरह का क्या क्या वो रहा, रिएक्शन क्या रहा उनका? हमारे पिताजी बोले कि चलो एक लड़का साधु हो गया, अच्छा, लेकिन माँ का प्रेम तो आप जानते ही हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। हमारी माँ बिलक उठी, तो हम उससे बात करते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। अभी भी वो हमसे बोलती है, बाबू टीवी पे देखात रहला, अपनी भाषा में बोलती जी है। जी जी, तो हमने बात की, हमने कहा जी जी, तो बोली कि बहुत अच्छा लागल, चला सामने से नहीं देख पहली, टीवी पर तो देख ले ली, अभी फोन की थी हमारे पास। तो बातचीत होती रहती है, आशीर्वाद लेते हैं, और सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले माँ का स्मरण करता हूँ, फिर धरती को प्रणाम करता हूँ, फिर अपने इष्ट को। और ये जो घरानों की परंपरा है, आपने इतने बड़े कलाकार का नाम लिया पलुस्कर जी का, जिनके एक से एक बढ़ के शिष्य हुए, ओंकारनाथ ठाकुर से लेकर, और वो खुद उनके खुद के पुत्र डीबी पलुस्कर, देवव्रत पलुस्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत ही ये दुर्भाग्य कहा जाए संगीत का, कि दोनों ही लोग बहुत कम उम्र में चल बसे, उनके बेटे भी और वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो घरानों की जो ये परंपरा पे अगर हम आए, जितना काम उनका है, जैसे शास्त्रीय गायकों की जो लड़ाई लड़ी है सम्मान की उन्होंने, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप अपने घराने के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बहुत विशेष बात बताना चाहूंगा। हमारे गुरु जी कहते हैं जी कि जिस स्थान पे अपने गुरु की दी हुई संगीत विद्या को बैठ करके साधक साधता है, वही उसका घराना होता है। जी, हमारे गुरु जी बता रहे थे, हसु हद्दू खाने कड़क बिजली तान से ग्वालियर घराने को चमकाया, लेकिन हमारे अवध घराने में तिहाई परक और मीड़ परक गायकी है, खटका मुर्की नहीं है। यमन भाइयों के द्वारा, यमनों के द्वारा, मुस्लिम भाइयों के द्वारा, ये है, लेकिन हम लोगों में क्या है, जे रे 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 ना रे रे ते न रे रे ना रे 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 ते न रे नूं, ये थोड़ा सा ध्रुपद का, हाँ ध्रुपद अंग की गायकी, हाँ, लेकिन इसमें खटके का प्रयोग हमारे गुरुजी कर दिए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने एक अलग अंग इसमें, दे र न त न रे त न रे न रि र त न त न, ये खटका है, त न रे न त न रे न रे नु, इसका प्रयोग, खटके का प्रयोग उन्होंने कर दिया। तिहाई परक अयोध्या घराना, इसमें तिहाई का खटके का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, और साहित्य बड़े अच्छे मिलेंगे, जैसे और जगह सैया दैया आपको मिलेगा साहित्य में, लेकिन यहाँ क्या है, शरद चंद बदनी सुगर गज गामिनी मृदु चरण पल्लव बिमल मदन दर्प प्रमथनी, माँ किशोरी के ऊपर, शरद चंद बदनी, शरद चंद्रमा के समान बदन वाली, शरद चंद बदनी सुघर गजगामिनी, जैसे हाथी चलता है वैसे चलने वाली भगवती, और काम कामदेव के हृदय को भी मथ देने वाली हैं, और रसिकों के मन को भाने वाली हैं। तो यहाँ परमात्मा परक साहित्य हैं, जो मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं, मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं। और कुछ अपने घराने के बारे में आप जो बताना चाहते हो खासतौर पर? अपने घराने के बारे में खासतौर पर बताना चाहूँगा, यहाँ बधैया कीर्तन को भी क्लासिकल में गाया जाता है, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री झपताल में है, लोग कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ ताल में कीर्तन को भी गाया जाता है, मतलब यहाँ समझौता नहीं हुआ शास्त्रीयता से,
हमारे घराने में। लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति से आप कितने संतुष्ट हैं? मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने घराने में जी। जो कठिन पद थे उनको सरल किया जी, बच्चों को समझाने के लिए जी। सरगमों का कुछ पलटे तैयार किए, जैसे सारे ग रे ग सारे सारे ग सारे ग ग रे सा रे ग म ग म रे ग म ग म रे ग म म ग रे, तो बच्चे ये दो दो का विभाग बन रहा है इसमें, सारे ग रे ग सा रे ग रे सा रे ग ग ग रे सा, ऐसा बन रहा है विभाग। तो बच्चे आराम से आलाप अपने गले को तैयार कर सकते हैं आलाप के लिए। तो कभी बचपने से लेकर जो अभी तक का आपका सफर रहा है, जब आप छोड़ के आ गए, कभी डांट वांट नहीं पड़ी माता पिता जी से कि तुम ये कर क्या रहे हो भाई, दसवीं पास कर गए थे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा नौकरी कर लेते, कुछ और कर लेते? ये हमारे गुरु जी ने कहा, माँ नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने माँ बाप से ज्यादा हमें प्रेम दिया जी। ये मैं सोचता था कि साधु बहुत निष्ठुर होता है, हमारी ये विचारधारा थी। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि अरे यार, घर से ज्यादा प्रेम यहाँ मिल रहा है। मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर खुद आ जा रहा है कार लेकर दवा करने। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने बहुत प्रेम दिया और उन्होंने अनुशासन किया, डंडा से मार करके व्याकरण न्याय कहे, पढ़ोगे नहीं तो संगीत का डिफिनीशन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे संगीत को। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मेरा तो मन रम गया भाई। गुरुजी ने डांटा कि ये नाचने गाने का क्या काम कर रहे हो ब्राह्मण हो करके। फिर हमने कहा कि शास्त्र में आया है कि नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौपंचवारम। तो ननाद ढक्का नौपंच वारम, भगवान ने डमरू बजाया है, डमरू नद्य वाद्य है, और डमरू से आपके व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। तो संगीत जननी है व्याकरण की, उसको कैसे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा तुम्हारा तर्क जायज है, तो वो भी प्रसन्न हुए हमारी बात से, फिर बोले तुम सीखो। और जब आपने सीखना शुरू किया और आपने साधु साधु का जो भी वेश धारण करना तो नहीं करना चाहिए, जो उसकी दिनचर्या होती है आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, पूरा फॉलो किया बिल्कुल, तो उसमें कभी एक इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने आप को सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ ध्रुपद तक ही सीमित रखूंगा? क्योंकि मैंने सुना जिस खूबसूरती से आप गजल गा रहे हैं, उसी खूबसूरती से आप कव्वाली भी गा रहे हैं, उसी खूबसूरती से आप फिल्मी गाने भी गा रहे हैं। तो क्या मतलब, चूंकि गायकी पक्की है इसलिए सब कुछ सारी चीजों के साथ न्याय हो जा रहा है? गुरु ने अच्छी तालीम दी है। अच्छा, अगर एक अच्छा गुरु होगा तो अपने शिष्य को हर पहलू से मजबूत करेगा, लय से भी, लाइट के भी सुर ऐसा लगवाएगा जैसे हमारे गुरु जी लगवाते हैं, गगरे सारे नीरे सा नीसे दानी दसा नीसे दानी पदा पानी धा पदा मपा गमा पा गमा गरे सा, क्या बात, ये लाइट में प्रयोग होता है। तो हमारे गुरुजी ने ऐसी तैयारी करवाई है कि मैं क्लासिकल भी गाऊंगा तो क्लासिकल जैसा लगेगा, फिर क्लासिकल के अंग से गाऊंगा क्लासिकल, कवाली गाऊंगा तो कवाली के अंग से, और फिल्मी गाऊंगा तो रे रा रे रा ता रा रा रे रा ना ता ना रे रा 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 ता रा रे रा ना, तो फिल्मी अंदाज में उसको गाऊंगा। तो कोई एक गाना जो आप फिल्मी अंदाज में गाना चाहते हो अभी? सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात बीमाबाद बंदा परवरदारा, मास्टर सलीम ने गाया है, ये फोक हो गया। और जब गजल की तरफ जाएं, तब गजल की तरफ जाएं, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। गजल में सांसों का बड़ा प्रयोग है, किस लफ्ज पे कितना सांस लेना है, मोहब्बत कैसे कहना है, लफ्ज कैसे कहना है, हकीकत कैसे कहनी है, उसका एक अंदाज़, मतलब भाषा की शुद्धता। हाँ, मैं उर्दू सीखने के लिए रोज टेम्पू से भाड़ा दे करके फैजाबाद तक आता था और यहाँ पर चाय पी के चला जाता था कि इसकी हवा लगे हमें, किसी से सीखता नहीं था, फैजाबाद तक मैं टेम्पू से आता था कि हवा लगे उर्दू की। तो सीखा आपने फिर? बिल्कुल सीखा। भानु प्रताप सिंह हैं हमारे उर्दू गुरु हैं, गाफिल गाजीपुरी हैं, दो लोगों से मैंने तालीम ली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम
छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।